उस मकार शख्स के साथ शादी हरगिज नहीं करूंगी। देखो पिया, तुम्हारा निकाह हो चुका है, सिर्फ रुख्सती बाकी है। बात इस चार दीवारी से निकल के सारे में फैल गई है। अब तुम्हारी और इस घर की इज्जत इसी में है कि तुम्हारी रुख्सती हो जाए। तो आंटी, मैं आपके खानदान पर कुर्बान क्यों हूं? मेरा शख्स के साथ हरगिज गुजारा नहीं है, ये नामुमकिन है। देखो बेटा, मेरी बात सुनो, रुख्सती के बाद तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा मुस्तकबिल दोनों महफूज होंगे। अब अगर दानियाल इतनी लचक दिखा रहे हैं तो तुम्हें भी जरा नमी पैदा करने चाहिए ना अपने एटीट्यूड में। आप लोगों को लगता है उस शख्स को कोई भी परवाह है? अगर उसे इस खानदान की इज्जत का इतना ही ख्याल होता तो वो ये सब करता ही क्यों? बजिया इसकी बातों पे ना आए, तो दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है, जो दिल में आ रहा है बोल रही है। अम्मी, मैं पागल नहीं हो गई, मैं जो कुछ कह रही हूँ अपने होशो हवास में कह रही हूँ। मैं उस शख्स से शादी हरगिज नहीं करूंगी, और अगर आप लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मैं उनसे समझाओ, उसे बड़ी मुश्किल से मैंने अकबर हुसैन को राजी किया। समझा तो मैं इसे लूंगी बजिया, बस आप रुख्सती की तैयारी कीजिए। क्या मतलब रुख्सती की तैयारी कीजिए? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, आप सबको मैं बता रही हूँ, मैं किसी कीमत पर ये शादी नहीं करूंगी। अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हुई कि सारे फैसले खुद करो। ऐसा जवान बेटी पर हाथ उठाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तुम्हें इसे प्यार से समझाना चाहिए। प्यार से समझाने का वक्त गुजर गया है बजिया। अगर इसने मेरी बात सुनी होती और एहतियात की होती तो बात यहां तक ना पहुंचती।